खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, गाजियाबाद का ये मामला है जहां पर एक कैंटर और कार के बीच में भिड़त हो गई है। गाजियाबाद में कैंटर और कार के बीच ये टक्कर हुई, हादसे में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद का ये मामला जहां पर कैंटर और कार के बीच भिड़त, हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 6 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त ये टक्कर थी। हादसे में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में 10 लोग कुल मिलाकर घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 6 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं। तो घायलों में 6 बच्चे 2 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाजियाबाद में कैंटर और कार के बीच में ये भिड़त हुई। घायलों में 6 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल। तमाम जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक जबरदस्त यहाँ पर हादसा दिखाई दे रहा है, टक्कर हुई है कार और कैंटर के बीच। देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जो एक रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कैंटर और कार के बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ है कि 6 महिलाएं और 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो तेज रफ्तार कैंटर आ रहा था और दूसरी तरफ से कार आ रही थी, कार की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, लेकिन कैंटर अपनी रफ्तार से ज्यादा चला रहा था तेज, और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जाके बिल्कुल सामने से टक्कर मारी है कार में। और कार सवार जो महिलाएं और बच्चे थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जहां यातायात विभाग को खास निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह से यदि ओवर स्पीड कोई चल रहा है तो उसका चालान काटा जाए, बल्कि गाड़ी को सीज किया जाए। बतौर इसके ये जो तस्वीरें गाजियाबाद से आ रही हैं, ये साफ कर देती हैं कि यातायात विभाग की एक बड़ी कमी देखने को मिली है, क्योंकि यातायात विभाग यदि वाहनों को कंट्रोल कर ले तो इस तरीके के हादसे ना हो पाए। जिस तरीके से रोड के बीच में डिवाइडर नहीं होता है, रोड को तोड़ दिया जाता है और वाहन वहां से कट मारते हैं और उसके बाद जो बड़ा हादसा होता है, लोगों को क्षति पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ये सारा घूम फिर कर मामला यातायात विभाग पर आता है। यातायात विभाग यदि कंट्रोल करे तो इस तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही है, जो लोगों में क्षति हो रही है, और खास तौर से ये जो घटना घटी है जिसमें बच्चे गंभीर रूप से जख्मी है, महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी है, इससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जितेंद्र। कैंटर और कार के बीच की भिड़त, हादसे में 10 लोग घायल हुए, महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल, 6 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल।